हेलो डेफेंस, तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब कैफे सीजी चैनल। तो डेफेंस जनरली आप लोग जानते हैं डेफेंस के मैं लेजर लाइट के ऊपर पहले ही दो तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डेफेंस उन्हीं वीडियोस के ऊपर मेरे एक व्यूवर ने मुझे कहा कि भाई मुझे लाइटर सही करने का भी तरीका बताएं कि हम घर पर ही हमारे ख़राब लाइटर को किस तरह से सही कर सकते हैं। तो डेफेंस आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एक लाइटर डेफेंस जो कि है बिल्कुल न्यू। तो डेफेंस ये अभी अच्छी तरह से जल रहा है। तो डेफेंस आज की इस वीडियो में हम इसी लाइटर को पूरी तरह से खोलेंगे, डेफेंस इसे देखेंगे और डेफेंस फिर हम ही करेंगे इसे बंद, ताकि डेफेंस इससे अगर किसी भी आपके लाइटर को कोई भी इशू हो तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो डेफेंस बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर डेफेंस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छे लगे वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो डेफेंस बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो डेफेंस यहाँ पर मौजूद है हमारा लाइटर। तो डेफेंस लाइटर के अंदर जो सबसे इसकी मेन ओपनिंग चीज़ होती है डेफेंस, वो होती है इसकी नोजल। डेफेंस ये साइड जहाँ पे ये जलता है। तो डेफेंस हमें लाइटर को खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसी नोजल को यहाँ से निकालना होगा। तो डेफेंस चलें इसी नोजल को सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके डेफेंस, तो इस तरह से इसे एहतियात से खोलने के बाद ओके डेफेंस, तो हमने हमारी इस नोजल को शुरू से यहाँ से हटा दिया है डेफेंस। इसके बाद हमारा जो थंबर होता है डेफेंस, इसे भी निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो डेफेंस अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो डेफेंस उसके बाद अब हमारी इसकी जो लेजर लाइट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है डेफेंस, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो डेफेंस लाइटर के अंदर जो सबसे ख़ास अहम चीज़ होती है डेफेंस, वो होती है इसकी ये मेटल प्लेट डेफेंस, जो मैं भी आपको प्रोमिनेंट करके दिखाता हूँ। डेफेंस ये प्लेट होती है इसकी सबसे बेसिक और प्रोमिनेंट प्लेट डेफेंस। इसी से ही हमारे थंब से ये नीचे प्रेस होता है और डेफेंस यहाँ से प्रेस होने के बाद ये हमारे इस नोजल के वॉल्व को थोड़ा सा ऊपर करता है और डेफेंस यहाँ से आती है हमारी गैस। और डेफेंस यहाँ पर ये जो हमारा स्पार्कर होता है ये करता है इसे इग्नाइट। और डेफेंस ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि हमारे एक सिर्फ थंब को थोड़ा सा अंगूठे को दबाने से और डेफेंस हमारा जो लाइटर होता है वो जल जाता है। तो डेफेंस चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो डेफेंस यहाँ पर हमारी जो मेटल प्लेट है डेफेंस वो आ चुकी है बाहर। डेफेंस ये वो है जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है डेफेंस। इसके बाद एंड में इसमें बचता है एक हमारा स्पार्कलर। डेफेंस इसके अंदर देखा जाए तो अब इसके अंदर बिल्कुल ये खाली हो चुकी है डेफेंस। ये है इसका गैस सिलेंडर और डेफेंस ये साइड इसकी गैस सिलेंडर साइड है डेफेंस। यहाँ पर इससे इसको किया जाता है फिलअप। तो डेफेंस इसके अंदर अब और ज़्यादा कुछ नहीं बचा। तो डेफेंस जो ज़्यादातर इशू आता है वो आता है हमारे इसी पिन का। तो डेफेंस अब हम करते हैं इसे असेंबल। तो डेफेंस यहाँ पर हमने हमारे लाइटर को पूरी तरह से खोल लिया है। तो डेफेंस अब टाइम है इसे बंद करने का। तो डेफेंस इसे बंद करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है डेफेंस। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि डेफेंस सबसे पहले तो हमें हमारे इस मेन बॉडी को ले लेना है डिफेंस। उसके बाद जो हमें करना होगा डिफेंस, हमारे बारी आती है हमारे स्पार्कल को लगाने की डिफेंस। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि डिफेंस हमारे जो स्पार्कल की जो मेटल एंड होता है डिफेंस, एक ये एंड है और डिफेंस एक इसका ये प्लास्टिक एंड है। डिफेंस ये एंड होता है इसका मूवेबल, पर डिफेंस ये जो होता है ये होता है फिक्स। तो डिफेंस ये फिक्स इसी वजह से होता है कि हम इसे इसे सपोर्ट दे सकें। तो डिफेंस इससे हमें सपोर्ट के लिए डाल देना होता है कुछ इस तरह से इसके अंदर। तो डिफेंस इसे यहाँ डालने के बाद हमें कर देना है इसे अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट। तो डिफेंस हमें इसकी वायर को बिल्कुल इसके इस जगह पर लाकर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है डिफेंस, कुछ इस तरह से डिफेंस। उसके बाद बारी आती है हमारी सबसे अहम चीज़, यानी कि हमारी इस मेटल की।
तो रेफरेंस इसे लगाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रेफरेंस उसके लिए हमें करना क्या होगा कि रेफरेंस उसके लिए हमें हमारी इस मेटल प्लेट को लगाना है हमारी इस बॉडी के बिल्कुल एच के साथ। रेफरेंस कुछ इस तरह से लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा जूं ही पुश करेंगे, रेफरेंस बहुत ही आहिस्ता से इसके अंदर खुद ही चली जाती है, और रेफरेंस इसके अंदर जाने के बाद ये बिल्कुल खुद ही अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। रेफरेंस यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे थंबर के ऊपर जाकर अटैच हो चुकी है। रेफरेंस अब हमारी ये सही लगी है या नहीं रेफरेंस, इसका पता करने के लिए हमें हमारे इस थंबर को रेफरेंस इसे यहाँ पर लगाने के बाद हम इसे एक बार प्रेस कर कर देखते हैं। तो रेफरेंस यहाँ पर हमारी जो फ्लेम है वो जल रही है। तो रेफरेंस उसके बाद फाइनल टच के लिए हमें करना क्या होगा कि हमारा ये जो प्लास्टिक का रेफरेंस एंड था हमें हमारे इस लाइटर की टिप पर इस तरह से रख कर रेफरेंस से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो रेफरेंस ये भी यहाँ हो जाता है अच्छी तरह से फिक्स। तो रेफरेंस यहाँ पर आपके सामने सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर ही हमारा लाइटर फिर से हो चुका है पहले की तरह। तो रेफरेंस हम इसकी थोड़ी सी फ्लेम का टेस्ट लेते हैं। तो रेफरेंस ये सच में जलने में तो बहुत ही जैसे कमाल रेफरेंस जैसे कि पहले जलता था। तो रेफरेंस इसको थोड़ा सा लो हाई भी कर कर देखते हैं। तो रेफरेंस यहाँ पर हमारा लाइटर बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो रेफरेंस इसी तरह घर पर रहकर हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी रेफरेंस आपको वीडियो में आया मजा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा लाजमी से सब्सक्राइब। तो रेफरेंस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।